अस्सलामुअलैकुम। अगर आप जल्दी में हैं, कुछ झटपट बनाना है, लेकिन झटपट बनाने के साथ साथ वो मज़ेदार भी होना चाहिए, तो ये चिकन करी ट्राई करें जो सिर्फ 15 मिनट में बन जाती है। इसे आप रोटी के साथ, चावल के साथ, खिचड़ी के साथ या पुलाव के साथ खा सकते हैं। इंस्टेंट चिकन करी बनाने के लिए सबसे पहले प्रेशर कुकर में डालिए 5 टेबलस्पून तेल। इसे अच्छे से गर्म कर लें। तेल गरम होने के बाद इसमें डालिए 2 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज, 2 हरी मिर्च, 2 लौंग और 2 दालचीनी के पीसेस। तेल गरम हो चुका है, डाल दें। प्याज का रंग बदलने तक फ्राई करते जाइए। 1 टीस्पून नमक डाल दें। प्याज का रंग बदल गया है। नेक्स्ट हम इसमें थोड़े से धनिया के पत्ते और कसूरी मेथी डाल देते हैं। 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून धनिया के पत्ते, इसे भी भून लें। इसमें डालिए 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से भूने। थोड़ा पानी डाल के भूनिए। नेक्स्ट इसमें डालिए एक बड़े साइज का कटा हुआ टमाटर या 2 मीडियम साइज के। इसे हमें फिर से अच्छे से भूनना है टमाटर सॉफ्ट होने तक। टमाटर के साथ ही हम इसमें हल्दी डाल देते हैं 1/2 टीस्पून और लाल मिर्च पाउडर 2 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून नॉर्मल है और 1 टेबलस्पून कश्मीरी। कश्मीरी ना हो तो स्किप कर दें। मिक्स कर लें। ये सॉफ्ट होने तक लिड बंद करके रखिए। टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें 600 ग्राम चिकन डाल देते हैं। चिकन डाल के हमें बहुत अच्छे से भूनना है। चिकन डालने के बाद इसी के साथ मैं इसमें थोड़ा सा यानी 1 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर डाल रही हूँ और गरम मसाला 1 टीस्पून। चलिए हाई फ्लेम पे इन्हें भी अच्छे से भून लें 2 मिनट के लिए। थोड़ा सा दही डालिए 3 टीस्पून। चिकन को अच्छे से भूनने के बाद इसमें 1 ग्लास पानी डाल दें। इसके ऊपर लिड बंद कर दें, सीटी लगा दें, 4 सीटी आने दें। प्रेशर पूरा खत्म होने के बाद तभी लिड ओपन करके देखें। थोड़ा नमक डाल दें। 4 सीटी आने के बाद लिड ओपन करके देख लें। चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है और मज़ेदार चिकन करी हमारी रेडी है। इसकी ग्रेवी देख लें। अगर आपको इस तरह से पतली ग्रेवी नहीं चाहिए तो आप इसे थोड़ा सा पका लें, ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। पतली ग्रेवी पसंद, चावल के साथ खाना है तो ये परफेक्ट होगी। देखिए मैंने ग्रेवी को थोड़ा सा पका लिया था, मुझे ये परफेक्ट लग रही है। देखिए वैसे धनिया के पत्ते डाल दें। गर्मा गर्म सर्व करिए चावल के साथ या रोटी के साथ। बहुत ही ज्यादा मजेदार चिकन करी बनी है। कमेंट में बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्त भी इसे बना सकें।